और हाँ, अभी हमने ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो अब बताने का वक्त आ गया है। तो हम जा रहे हैं हेलो गाइस, इट्स टाइम टू डू पैकिंग इंग्लिश। तो अभी जो है हम पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें कल जाना है, तो हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी जाएंगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, नहीं आराम से 7:30-8 बजे तक, तो उस समय पैकिंग का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी जो है पैकिंग चल रही है, एक भाई ये पीछे बैठा हुआ, दूसरा भाई इधर सो चुका है, ठीक है। और मैं अभी पैक कर रहा हूँ, ये रहा अपना सामान, आधा इधर पड़ा हुआ है यहाँ, और यहाँ पे चल रही है अपनी वीडियो। अरे खुल जा, रेंडर हो रही है, चलो छोड़ो कबाड़ लैपटॉप है। तो पैकिंग करते हैं और आपको मिलेंगे सीधा सुबह, तब तक गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। टाइम हो चुका है अभी सुबह के 8:30 मतलब होने वाले हैं। तो हमारी भी पैकिंग वुकिंग, नाश्ता नाश्ता सब कुछ हो चुका है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बताइए बताएंगे रास्ते में कि कहाँ जा रहे हैं। चलो चलो, वैसे तो मेरे थंबनेल से पता चल रहा है, लेकिन फिर भी हम अब निकल रहे हैं, हो गया फाइनल, लेट्स गो। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं पौड़ी से 5 किलोमीटर पीछे, और जो ये पौड़ी का टॉप है, मतलब जैसे हमने पौड़ी के इधर एंटर किया, भाई साहब ठंड क्या बताएं, एकदम जबरदस्त वाली। अगला स्टैंड होगा हमारा, सॉरी स्टॉप होगा हमारा पौड़ी में, ओ सॉरी श्रीनगर। अगले स्टॉप पर रुकेंगे। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, श्रीनगर पे हम कोई स्टॉप नहीं ले रहे हैं, मतलब हम अभी ऊपर ही हैं श्रीनगर से, ये देख सकते हैं आप पीछे, और यहाँ पे कोई स्टॉप नहीं ले रहे, डायरेक्ट जाएंगे अपने स्टॉप पे, लास्ट फाइनल पे, क्योंकि भाई का कॉल आ रहा है और टाइम कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, यहीं पे 11:30 हो चुका है। तो निकल रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट सीधे सीधे, और फाइनल देखते हैं कहाँ पे स्टॉप, अगर कहीं लेंगे तो व्लॉग स्टार्ट कर लेंगे, वरना फिर डायरेक्ट चंद्रपुरी पे रुकेंगे। ओके बाय। तो हेयर वी आर एट, एक मिनट। हाँ तो अभी हम पहुँच चुके हैं श्रीनगर से काफ़ी आगे, वैसे ब्रेक लेने का तो कोई वो नहीं था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी के लिए ब्रेक लिया है क्योंकि उसका इंजन थोड़ा गर्म हो गया है। तो अभी हम धारी देवी पे हैं, जस्ट नीचे दिख रहा होगा, तो अब इसके बाद सीधा निकल लेंगे और यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्ट देखते हैं, उसके बाद निकलते हैं। और हाँ, अभी हमने ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो अब बताने का वक्त आ गया है। तो हम जा रहे हैं जन्नत में, केदारनाथ, जी हाँ केदारनाथ ही जा रहे हैं, और धारी देवी के भी दर्शन करेंगे जब हम वहाँ से वापसी को आएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है नहीं और भाई लोग थोड़ा आगे जा चुके हैं, वो कह रहे थे वो हमें गुप्त काशी के आसपास मिलेंगे, तो वहाँ से हमें वो ज्वाइन करेंगे गुप्त काशी में। जो मेरे साथ कार्तिक स्वामी आए थे वही आ रहे हैं, तो एक भाई अलग है बस, बाकी दो भाई वही है। तो चलो चलते हैं, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए बार बार आँखें बंद कर रहा हूँ। तो अब सीधा केदारनाथ, चलो चलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं कुंड से काफ़ी आगे, मतलब ये गुप्त काशी को जा रहे हैं हम,
तो यहाँ पे कुंड का डैम था, तो सोचा थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर ले, क्योंकि भाई लोग तो आगे जा चुके हैं, वो कह रहे हैं कि वो हमें आगे मिलेंगे, वो उधर ऊपर की साइड ऊपर मतलब रूम लेने में थोड़ा प्रॉब्लम है, शाम के टाइम पे रूम मिल नहीं पाएंगे। तो हमने उन्हें कहा कि चलो तुम भी चल लो आगे, और वो तो जा ही चुके हैं, तो इसलिए हमने भी हल्का सा ब्रेक ले लिया। मेरा गांव बहुत पीछे रह चुका है, हम यहाँ से काफ़ी आगे आ चुके हैं, और यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर है गुप्तकाशी, फिर उसके बाद केदारनाथ होगा मे बी 55 या 50 के अप्रॉक्स। तो चलो फिर चलते हैं, अब डायरेक्ट भाई इनके साथी में मिलेंगे, देखते हैं कौन कौन आ रखा है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पे है, कौन सी जगह? सीतापुर पे, और यहाँ हमने रूम लिया है, और यहाँ से केदारनाथ कम से कम कितना किलोमीटर होगा? 5 और 16 मतलब यहाँ से 20-21 मान के चल लो, है ना, डिस्कशन चल रहा है, मतलब मान के चल लो 20 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ट्रैकिंग होगी, और वो कल सुबह, वो होगी कल सुबह, और यहाँ पे आ रखे हैं ये भाई, जैसे कि आपने केदारनाथ में देखा होगा, राहुल राणा, राहुल रावत, और ये उत्तम रावत, ये नया भाई है, ये नहीं आया था केदारनाथ, ये कार्तिक स्वामी के लिए, ये केदारनाथ के लिए, और मैं राहुल राणा, ये चलो। तो अब थोड़ा खाते पीते हैं, और उसके बाद ब्रेक के बाद, हाँ नहीं, इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। ओके बाय बाय, टाटा, अब कल होगी ट्रैकिंग।